सरकार नहीं चाहता है कि शांतिपूर्वक होली निपटे और बदनाम कर रहा है जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी को। आज सुबह से ही बल्लियों को बैरिकेडिंग शुरू कर दी, जिससे मोहल्लेवासियों में निकलने में काफी दिक्कत पैदा हुई। तो मोहल्लेवासियों को यह कहना था कि आप बैरिकेडिंग निकलने की निकास छोड़ दो और बाद में लगा देना जैसा हर साल होता है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी, जिससे पैसे दिए उसका रास्ता खोल दिया, जिसने पैसे नहीं दिए उसका रास्ता बंद कर दिया। और इसी बीच दिन भर यह सिलसिला जारी रहा और जिलाधिकारी डीएम साहब को बदनाम करा कि अमृत त्रिपाठी करवा रहे हैं ये काम। हालांकि अभी कुछ देर पहले मोहल्लाबाद स्केल में ही हंगामा हो गया निकास को लेकर। लोगों का यह कहना था कि अभी हमारे घर वाले नहीं आए, जब घर वाले आ जाए तो निकास बंद कर देना, जिस पर ठेकेदार इकबाल का कहना था कि डीएम का आदेश है कि निकास बंद कर दो। हालांकि काफी जद्दोजहद करने के बाद पूरा मामले का खुलासा हुआ, जब पता ये लगा कि ठेकेदार अखबार ने लेबर कम लगाई है, इसीलिए आप देख रहे हैं निकास दिन में ही बंद कर दिया गया। आने जाने वालों को काफी दिक्कत पैदा हुई। लेकिन दूसरा नजारा शाम के 7:30 बजे का है, जिस समय फिर अखबार ठेकेदार ने मनमानी करी। अभी से क्या नाम है ठेकेदार का? और मामले की नजाकत को देखते हुए एडीएम प्रशासन को फोन लगाया 94-54-41-75-78 पर, 4 दफा कॉल की गई 8:04 पर और 8:05 पर। लेकिन एडीएम प्रशासन ने फोन जब नहीं उठाया तो नगर पालिका अध्यक्ष को फोन लगाया गया, तो उनका यह कहना था कि डीएम बैरिकेडिंग डीएम के स्तर से हो रही, ये वार्ता हो ही रही थी कि इतने में अखबार ठेकेदार आ गए। जब उनसे पूछा तो उनका क्या कहना था आप खुद ही सुनिए। हालांकि इकबाल ठेकेदार ने शांति व्यवस्था भंग होने में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन कुल मिला के मोहल्लेवासियों का कहना है कि होली के बाद ठेकेदार की शिकायत जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी से की जाएगी। और इकबाल ठेकेदार की एक दफा फिर आपको हम दबंगई दिखाते हैं, किस दबंगई से कार्य हो रहा है। लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए मोहल्ले वालों ने बड़ी शांति से काम लिया, लेकिन इकबाल ठेकेदार ने अशांति फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। देश और दुनिया के लिए हमारी वेबसाइट को भी आप लॉगिन कर सकते हैं www.worldmediatime.com। लॉगिन करो, खबर देखें, हम दिखाएंगे आपको सच का आईना। कृपया हमारे चैनल को